हेलो दोस्तों, आपके अपने ही YouTube चैनल TMS में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th रिवाइज सिलेबस फॉर सेशन 2020-2021 के बारे में डिटेल में जानकारी हासिल करेंगे, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि ओल्ड सिलेबस फॉर क्लास 10th 2020-2021 में 7 यूनिट्स थे, नंबर सिस्टम्स, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। उसी तरह रिवाइज्ड सिलेबस फॉर क्लास 10th में 2020-2021 सेशन के लिए यूनिट्स हैं नंबर सिस्टम्स, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। लेकिन टोटल यूनिट्स मिला के अप्रॉक्स 30% सिलेबस को कम किया गया है रिवाइज सिलेबस में। तो हम लोग यूनिट वाइज देखेंगे कि कौन से यूनिट से और कौन कौन से चैप्टर से न्यू रिवाइज सिलेबस में कौन कौन सी टॉपिक्स को इस सेशन के लिए रिमूव किया गया है। तो आइए सबसे पहले यूनिट 1 का हम लोग देखते हैं। यूनिट 1 में ओल्ड सिलेबस में एक ही चैप्टर था, रियल नंबर्स, और रिवाइज सिलेबस में भी वही चैप्टर है, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स पिछले ओल्ड सिलेबस में 15 पीरियड्स का होता था, न्यू सिलेबस में 8 पीरियड्स का ही होगा। ओल्ड सिलेबस में जो टॉपिक्स थे वो इस तरह से थे, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक, स्टेटमेंट्स आफ्टर रिव्यूइंग वर्क डन अर्लियर एंड आफ्टर इलस्ट्रेटिंग एंड मोटिवेटिंग थ्रू एग्जांपल्स, प्रूफ्स ऑफ इरेशनलिटी ऑफ रूट 2, रूट 3, रूट 5, डिसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स इन टर्म्स ऑफ टर्मिनेटिंग डिसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डिसिमल्स। आपके न्यू रिवाइज सिलेबस में पहला जो टॉपिक है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इसको रिमूव कर दिया गया है, और बाकी के जो टॉपिक्स हैं फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक स्टेटमेंट्स आफ्टर रिव्यूइंग वर्क डन अर्लियर एंड आफ्टर इलस्ट्रेटिंग एंड मोटिवेटिंग थ्रू एग्जांपल्स, ये आपके सिलेबस में बना हुआ है। उसी तरह प्रूफ्स ऑफ इरेशनलिटी ऑफ रूट 2, रूट 3, रूट 5, ये भी आपके रिवाइज सिलेबस में रखा गया है। और लास्ट जो टॉपिक है इस चैप्टर का, डिसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स इन टर्म्स ऑफ टर्मिनेटिंग डिसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डिसिमल्स, ये भी आपके रिवाइज सिलेबस में बना हुआ है। मतलब यूनिट 1 के चैप्टर 1 रियल नंबर्स से सिर्फ एक टॉपिक आपका रिमूव कर दिया गया है रिवाइज सिलेबस में पुराने सिलेबस के हिसाब से, वो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। मतलब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इस टॉपिक से आपके बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चंस नहीं होंगे, मतलब इस साल के लिए इस टॉपिक को रिमूव कर दिया गया है सिलेबस से। अब यूनिट 3 की बात करते हैं। यूनिट 2 बहुत बड़ा है, इसलिए हम पहले यूनिट 3 की बात करते हैं। यूनिट 3 में भी सिर्फ एक ही चैप्टर है, लाइंस इन टू डायमेंशंस। इसके टॉपिक्स पुराने सिलेबस में इस तरह से थे, कॉन्सेप्ट्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, इंटरनल डिवीजन, एरिया ऑफ ट्रायंगल। न्यू रिवाइज सिलेबस में यूनिट 3 चैप्टर 1 लाइंस इन टू डायमेंशन से इस तरह से टॉपिक्स हैं, कॉन्सेप्ट्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, इंटरनल डिवीजन, और लास्ट जो टॉपिक था पुराने सिलेबस में एरिया ऑफ ट्रायंगल, उसको इस साल के लिए रिवाइज सिलेबस फॉर क्लास 10th सेशन 2020-2021 से रिमूव कर दिया गया है। मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल इस चैप्टर से इस साल के लिए रिमूव कर दिया गया है, और इस टॉपिक से आपके बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चंस नहीं होंगे। तो हम लोगों ने अभी तक यूनिट 1 और यूनिट 3 के ओल्ड सिलेबस और रिवाइज सिलेबस के बीच कंपेयर किया और देखा कि क्या क्या ओल्ड सिलेबस से रिमूव किया गया है रिवाइज सिलेबस में। आगे के वीडियोस में हम लोग यूनिट 2, 4, 5, 6 और 7 में क्या क्या ओल्ड सिलेबस से रिमूव किया गया है न्यू रिवाइज सिलेबस में, इसके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए आप लोग का शुक्रिया। बाय।